नेशनल राज लाने वाले लोगों ने सिर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। मेरे नौजवान साथी, दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटू, मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के चंपारण पहुंचे हैं और बेतिया में नरेंद्र मोदी की सभा का जहां आयोजन हुआ है, वहां से नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपने विरोधियों को बिहार में, जिन्होंने जंगल राज लाया, यानी कि खुलकर लालू परिवार पर निशान साधा है। ये कहा है कि जंगल राज वालों ने बिहार के युवाओं को यहां से पलायन करने को मजबूर कर दिया, नौकरी के बदले में जमीन लिया। आपको याद है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अभी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो लालू परिवार से पूछताछ कर रही हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से भी पूछताछ हुई है, आगे फजीहत बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी ने कहा है बिहार के युवाओं को किसने तंग किया, कौन है असली गुनहगार, नरेंद्र मोदी ने पूछा है और परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज अपना संबोधन भोजपुरी भाषा में भी दिया है। पूरा बिहार बा मोदी के परिवार, सभी बा मोदी के परिवार। नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ अलग कहते हुए अपने विरोधियों पर, लालू परिवार पर खुलकर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी, दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया, क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यहीं बिहार में नौकरी मिले, यहीं बिहार में रोजगार मिले, पर दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी, जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटू, मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं
मोदी का परिवार। मैं हूं अंबानी मोदी के परिवार। साथियों, मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को कि मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं। और रउआ जानते बानी, मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाए और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूछते जो मोदी से पूछ रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू, जेपी लोहिया, बाबा साहब अंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया पहुंचकर क्या कुछ कहा है, उनका भव्य स्वागत किया गया। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। नितिन राय वहां मौजूद थे, संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं वे मौजूद थे, संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी मौजूद थे। सभी नेताओं ने खूब नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है संबोधन में अपने, कटाक्ष करते हुए विरोधियों पर, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।